गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो बस दिन की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ मैं गाजरें छील रही हूँ मिक्स सब्ज़ी बनाने के लिए। तो ये वाली सब्ज़ियाँ डलेंगी मिक्स सब्ज़ी मिक्स वेज में। कॉलीफ्लावर, फूल गोभी मैं भिगो के रख देती हूँ नमक के पानी में, और 5 मिनट के लिए इसको नमक के पानी में मैं धोकर काट के भिगो के रख देती हूँ। इस तरह से ये फ्रेंच बीन्स है, आलू है। तो बस एक कढ़ाई में ये मैंने ऑयल डाल लिया है, ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ मैं, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये 1 टीस्पून राई डाल दी, और बिल्कुल बेसिक सी मैं सिंपल सी बना रही हूँ। वैसे तो मिक्स सब्ज़ी बनाने के कई तरीके हैं, बट ये इस वक्त मैं जो है सिंपल वाली आपको बता रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने हरी मिर्चें डाल दी बीच में से, स्लिट करके 3 हरी मिर्चें डाली थी मैंने, और बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, टेस्टी बहुत बनती है। उसके बाद ये इसमें आलू चले गए, आलू जो है आपको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है हल्के से, आपको 1 मिनट के लिए आप इसको फ्राई कर लें। उसके बाद तो फिर ये जब आप ढककर इसको पकने के लिए रखेंगे तो आलू फिर गल जाएंगे। कई तरीक़ों से ये सब्ज़ी बनती है, मसाला भून कर, अदरक लहसुन के पेस्ट में, बट ये एकदम सिंपल सी और क्विक सी रेसिपी है, आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं। ये चली गई इसमें फ्रेंच बीन्स, और फ्रेंच बीन्स डालने के बाद भी आप इसको थोड़ा सा एक मिक्स दे दें। कुकर में बनाएंगे तो जल्दी बनेगी, जैसे मैंने कहा बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मैं ज़्यादातर कढ़ाई में बनाती हूँ, टेस्ट भी काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। ये गाजरें चली गई इसमें, गाजर डालने के बाद भी हम एक मिक्स दे देंगे इसे। उसके बाद जी इसमें चले गए गोभी, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। फूल गोभी डालने के बाद आप फिर से एक मिक्स देंगे इसे। कुकर में बनाएंगे तो टेस्ट हल्का सा डिफरेंट होगा, और कढ़ाई में बनाएंगे तो हल्का सा माइनर सा मतलब टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है। तो सब सब्जियों को हमने क्विक सा मिक्स दे दिया। अब ये ड्राई स्पाइसेस इसमें जाएंगे, हल्दी, टर्मरिक 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा, एंड सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, बट यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून से हल्का सा ज़्यादा डाला है। और मिर्च पाउडर हम नहीं डालेंगे बिकॉज़ हमने शुरू में ही ग्रीन चिली ऐड करी है। बस मसाले डाल के भी इसे एक क्विक सा मिक्स दे दिया हमने, अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। ये अराउंड 15 मिनट्स में मेरी बन के रेडी हो गई थी, और ये इसमें मैंने 1/2 ग्लास वाटर डाला है। 1/2 ग्लास पानी डाल के इसे फिर से एक बार मिक्स करके, और आपने इसे रख देना है ढककर फॉर अराउंड 10 मिनट्स। अब ये यहाँ मैं आटा गूंदने लगी हूँ। आटे में मैंने थोड़ा बेसन ऐड किया है। मैं रोटी भी कई तरीक़ों की मतलब उसमें वेरिएशंस करती रहती हूँ, तो आज मैंने बेसन डाला है, उसमें हल्का सा सॉल्ट और हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डाली इसमें, और रेड चिल्ली पाउडर ऐड किया। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल, ऑलिव ऑयल। आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं, कभी कभी मैं घी भी ऐड करती हूँ, तो ये मैंने ऑलिव ऑयल ऐड किया। तो ये है मेरी डॉटर फामिया, यहाँ इनके नाश्ते का टाइम हो चुका है, तो बस मैं इन्हें नाश्ता कराने लगी हूँ। ऐसे ही खेल खेल के ये बच्चे जो है नाश्ता करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं।
तो सबसे बड़ा टास्क होता है ये मेरा पूरे दिन का, इन्हें फीड करना। तो ये मुझे नायका से मेरा पार्सल रिसीव हो गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ। बाथ एंड बॉडी वर्क्स का मैंने शार जेल मंगवाया था एंड दिस इज़ पैक की न्यूड आई पेंसिल। न्यूड आई पेंसिल एक्चुअली मैंने कहीं जगह ढूंढी थी बट मुझे मिली नहीं, तो फिर मैंने नायका से ऑर्डर करी पैक की। एंड दिस इज़ कामा आयुर्वेदा रोज़ वाटर जो मेरा ख़त्म हो चुका था, जो मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ, एंड द बेस्ट रोज़ वाटर है ये इन द मार्केट अकॉर्डिंग टू मी। बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है। एक्चुअली ये टोनर है बेसिकली, तो फामिया को भी आप देख सकते हैं मेरे साथ में, वो बिज़ी है शेयर करने में हॉल, यू नो। और ये है ये क्या है, हाँ ये है बॉडी शॉप का बॉडी योगर्ट। और अब हम निकल चुके हैं ढाबा के लिए। हम लोग जा रहे हैं शनाया ढाबा जो कि है अहमदाबाद बॉम्बे रोड पे। फ्राइडे नाइट है एक्चुअली, तो नेक्स्ट डे सुबह उठने की कोई यू नो हेडेक नहीं होती। तो यस, ये हमने ऑर्डर किया था फ़िश, आई थिंक फ़िश टिक्का था ये या तंदूरी टाइप में कुछ फ़िश थी ये, एंड इट वाज अमेजिंग। फूड वाज अमेजिंग एक्चुअली यहाँ पर। एंड ये ऑर्डर किया था हमने मटन निज़ामी आई थिंक, या निज़ामी जो कि चीज़ में होता है, तो वी आर ऑल चीज़ लवर्स एक्चुअली।